हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है खीर खरना और आज हम जा रहे हैं छठ पूजा का जो भी सामान लगेगा, जो भी फल फूल कुछ भी लगेगा, जो कुछ भी सामान लगेगा वो सब कुछ लाने। तो चलिए चलते हैं और करते हैं छठ पूजा का संपूर्ण मार्केटिंग। आइए चलते हैं। हम निकल गए हैं मार्केट की ओर अपनी गाड़ी से। तो चलिए, हम लोग डोरंडा बाज़ार जा रहे हैं, वहीं से सारा शॉपिंग करेंगे डोरंडा बाज़ार से। 40 रुपये पीस है यहाँ पे, 40 रुपये पीस है। हम लोग मार्केट में आ गए हैं और ये देखिए, हम आ गए हैं डोरंडा बाज़ार में। अभी और अंदर जाएंगे तो और भीड़ भाड़ मिलेगा। सुबह सुबह हम लोग आए हैं ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, इसीलिए सुबह में ही हम लोग निकल गए हैं। मैं, भैया, मामी सब लोग आए हुए हैं, मामा जी भी आए हुए हैं, सब लोग आए हैं। ये देखिए बाज़ार अभी स्टार्ट हो गया और बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे। दौरी और सूप ये सब मिल रहा है। यहाँ पे सूप 150 रुपये जोड़ा है, ये वाला सूप 150 रुपये जोड़ा है। ये देखिए, ये वाला सूप सेलेक्ट की है मामी, ऐसा सूप 150 रुपये जोड़ा है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं भैया? सब कुछ मिला देंगे। अच्छा, ये सब मिला के लिया जा रहा है सब। ये सब पूजा में चढ़ता है, आंवला, बेर, मटर और वो उसको क्या बोलते हैं व्हाइट वाला को भैया? अच्छा, सुथनी और कामरंगा, और ये पानी फल, कच्चा बादाम, और ये है शकरकंद, ये गाजर भी है और हल्दी भी है। ये गाजर और हल्दी कैसे है? 40 रुपये पाव। ये सब कुछ कुछ भी लीजिए यहाँ से, 40 रुपये पाव है, आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। क्या मिला के एक पाव लिए हम लोग। अब हम लोग ले रहे हैं ये पानी फल, ये 1 kg या 2 kg जितना भी लेते हैं, देखते हैं कितना लेते हैं, शायद 1 kg है। ये पानी फल है और शकरकंद है, ये सब हम लोग अलग से लेंगे, वो सब मिक्स करके ले लिए, वो पूजा में चढ़ेगा। और ये सब भी चढ़ेगा पूजा में, लेकिन ये ज़्यादा लगता है इसलिए हम लोग kg से लेंगे। पानी फल हमने ले लिया, अब हम लोग ले रहे हैं ये शकरकंद। शकरकंद कैसे kg बोले? 40 रुपये। अगर 40 रुपये है ये बड़ा वाला, छोटा वाला 30 रुपये पर पीस है और वो 40 रुपये पर पीस है। हमने यहाँ पे 650 का सेब लिया और वो हम लोगों ने अभी यहीं पे रखवा दिया है, आते हुए उधर से ले जाएंगे यहाँ से। गागल भी है और बहुत सारा चीज़ है, वो अभी लेना है। तो आइए चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे 20 रुपये पीस है गागल, तो अच्छा रेट है। 20 रुपये पीस मैंने 40 रुपये जोड़ा, तो सही रेट है और एकदम देसी गागल है। हमने 6 पीस गागल लिया, ये 20 रुपीस पर पीस है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे 50 रुपये संतरा का रेट, तो हम लोग 5 kg लेंगे। और हमने फिर से 3 किलो ले लिया, क्योंकि संशय था मन में कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं 5 किलो में। हमने 1 लॉट मार्केटिंग कर लिया है, तो अब हम ये सारा सामान अपने गाड़ी में रख के आएंगे। चाची, कितना kg होगा इसमें? 8 किलो सेब है इसमें, एक पेटी में ना। हम लोग अनानास ले रहे हैं यहाँ से, 50 रुपीज़ पर पीस है। तो
ये सब 700 का है तीनों, ग्रीन वाला, और ये वाला 600 का है येलो वाला। तो इसका ना इतना पक गया कि कल तक खराब हो जाएगा। क्या क्या लिए हैं मामी? अच्छा, माला, सिंदूर, आता और कसैली। आता कैट होनी है मामी है? आता और ले लीजिए, मैंने जरूरत होगा, आपके भी घर पे लगाना होगा तो कैट होगा उसमें। आता सब को जिसका और एक पैकेट दे दीजिए, और एक थोड़ा ये हो गया। ये सारी चीजें हमने यहाँ से ले ली। मखाना रह गया था तो हमने मखाना भी डलवा लिया अपने पैकेट में। सब वो सब जनरल स्टोर से। हाँ, गड़ी छुहारा किसमें से सब आएगा जनरल स्टोर से। ये वाला केला, ये वाला केला अच्छा लग रहा है हमें, बीच वाला जो बीच में है। इसका ये 650 रुपये पूरा घवत का बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग डिस्काउंट ले रहे हैं थोड़ा सा बोल के कि कुछ डिस्काउंट कीजिए, तो इसको 600 तक लेंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि रखना है ना, अभी कल और परसों दो दिन तो मैंने रखना ही है इसको। आराम से रह जाएगा भैया। ये वाला हमने ले लिया 600 में। चलिए अब इसको रख के आते हैं। हमने एक केला ले लिया है, बहुत बड़ा है और बहुत भारी है। चलिए चलते ठीक है। ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं लकड़ी के शॉप पे, यहाँ से हम लोग लकड़ी लेंगे। कितने का है भैया? कितना का है? 200 रुपये बंडल। ये बड़ा वाला जो बंडल है 300 रुपये बंडल है, और ये छोटा छोटा जो ये सब है ये 200 रुपये बंडल है। इधर ये छोटा छोटा टुकड़ा है तो ये जलने में आसानी होता है, क्योंकि सब खाना मैंने जो भी प्रसाद बनेगा वो सब चूल्हे पे ही बनेगा, इसलिए हम लोग लकड़ी ले रहे हैं। के रखा हुआ है लकड़ी को काट के पतला पतला, तो ये लेने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि चूल्हा जलेगा तो उसमें आसानी रहेगा। तो हम लोग यही फाइनल किए, इसी में से ले रहे हैं। 20 रुपये मुट्ठा है अप्रोक्स, उतना ही रेट है 200 का जितना वो पड़ रहा है इतना ही। बस ये फटा हुआ है पतला पतला। ये देखिए, ये 10 मुट्ठा है, मतलब 200 का है ये, तो उतना ही हुआ है अप्रोक्स जितना वो है। बस ये है इसमें फ़ायदा कि ये मतलब पतला पतला है तो अच्छे से जलेगा। अब हम गन्ना लेने आए हैं। ये देखिए, अच्छा है मामी, रुकिए निकालते हैं। हम लोग इसको कट करवा ले रहे हैं, क्योंकि ले जाने में आसानी रहेगा। तो हम तो अब हमारा शॉपिंग लगभग कंप्लीट हो गया है। कुछ कुछ एक दो चीज़ बचा हुआ है तो वो सब ले लेते हैं और चलते हैं फिर। अब हम लोग फिर से आ गए हैं उसी दुकान पे। इस बार हम लोग ले रहे हैं आदि, हल्दी, गाजर, ये सब जो भी पत्ती वाला चीज़ है ये सब। देखिए, जैसे कि ये सब है, ये सब मिला के हम लोग ले रहे हैं। शरीफा भी छूटा हुआ था तो वो भी ले लेते हैं हम लोग। शरीफा 60 रुपये किलो है। डोरंडा से निकल के हम लोग आ गए हैं नामकुम सदाबहार चौक पे, और यहाँ से हम लोग कुछ जनरल स्टोर से सामान लेंगे। अब हम लोग आ गए हैं विजय स्टोर पे। यहाँ से हम लेंगे जो पूजा में जो भी लगता है सामान, जैसे कुछ लिस्ट में है हमारे। गुड़ दे दीजिए, आया है ना नया वाला। तो यहाँ से हम लोग गुड़, रिफाइन, दूध, फिर से आपका
गड़ी, छुहाड़ा, किशमिश, ये सब जो भी है, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से किराना स्टोर से ही लेंगे। घी, ये सब कुछ यहीं से लेंगे। ये देखिए, हम लोग जनरल स्टोर पे हैं और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी जानवर को, मैंने जंगली जीव को पालना नहीं चाहिए, लेकिन अब इनका भी जो भी है सिस्टम पता नहीं। ये देखिए कौन सांप है, ये काला नाग है। और ये बाप सही में नाग है, ये ध्यान से देखिए। और ये भाई साहब फोन, इसका बीस निकाला हुआ है। हाँ। बहुत खतरनाक है। और ये बाप कितना बड़ा है। और ये यार अच्छा, चूहा हुआ खाता है ये। फनवा एक बार फिर से दिखाइए ना। ये देखिए ठीक। तो हमने यहाँ से गुड़, रिफाइन, थोड़ा सा चीनी चाय पत्ती, जो कि मम्मी के लिए चाय पीने के लिए वहीं उसी चूल्हे पर शायद बन जाता है, व्रती लोगों के लिए जो जो व्रत किए हैं, वो सब चीज़ें, और काजू किशमिश, फिर से आपका सौंफ ठेकुआ में डालने के लिए, ये सब खीर में डालने के लिए, ये सब लिए हैं, और अरवा चावल जिससे खीर बनेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं। चावल का रेट है? ये देखिए, ये सारा शॉपिंग का सामान है हमारा, सब कुछ हमने गाड़ी में लोड कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं घर। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल खुशबू प्रिंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।